नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी अरबी का स्टैम्प और पत्तों का सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ मैं वो दिखाना चाहती हूँ। तो मैंने अरबी के स्टैम्प्स थोड़े से लिए हैं, थोड़े से पत्ते। अभी आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इसको कुक करने के बाद ये बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर लिया है, एक कढ़ाई रख दिया है, उसमें पानी रखा है मैंने। तो मैं पहले थोड़ा सा इसे बॉईल करूँगी। ऐसे तो मैं जो वैरायटी यूज़ कर रही हूँ इससे इचिंग नहीं होता है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं करूँगी इसको। पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ। फिर मैं ये स्टैम्प्स डाल दूँगी। और जो ये पत्ते हैं उसे डाल दूंगी। इसमें मैं 1 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूं। इसे मैं 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी। अरबी के स्टैम्प और पत्तों को मैंने 10 मिनट बॉईल कर लिया। अभी मैं इसे गर्म पानी से निकाल लूंगी। दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो मैं ले रही हूँ इस अरबी के स्टैम्प्स को कुक करने के लिए, मैं बोल देती हूँ दोस्तों आपको। मैं पम्पकिन ले रही हूँ थोड़ा सा, और मुट्ठी भर मैं ये देसी चना ले रही हूँ, और बॉयल आलू ले रही हूँ। आलू और चने को मैंने साथ में बॉयल किया है, तो आलू इसलिए आपको काला काला लग रहा है क्योंकि वो काला चना है। टमाटर मैं 2 मीडियम साइज़ के ले रही हूँ, जिसे मैंने काट के रखा है। अनियन भी मैं 2 मीडियम साइज़ के ले रही हूँ, इसे भी मैंने काट के रखा है। मैंने सोया चंक्स लिया है 1/3 कप। धनिया पाउडर मैंने लिया है 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर थोड़ा सा। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं 1 टेबलस्पून ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। एक हरी मिर्च ले रही हूँ। नमक आप डालें स्वाद अनुसार। और मैं कुकिंग करूँगी इसे मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, अभी मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें प्याज डालूंगी। थोड़े समय के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। मैं बहुत ही कम मसालों में बना रही हूँ, और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होगा। तो इसको भी हम 2-3 मिनट तक छोड़ देते हैं ऐसे ही, जब तक इसका रॉ स्मेल चला नहीं जाता है। जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल चला गया है। अभी मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अभी मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं हल्दी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से चला लें आप। अभी मैं इसे ढक के रख दूंगी टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। टमाटर को मैंने 6-7 मिनट कवर कुक कर लिया, तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं इसमें पम्पकिन डाल रही हूँ। पम्पकिन डालने के बाद मैं ये रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, और ये हरी मिर्च डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अभी इसको थोड़ा समय छोड़ देंगे, जब तक पम्पकिन थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो चलिए पम्पकिन चेक कर लेते हैं। पम्पकिन को मैंने कवर कुक किया 10 मिनट के लिए। देखिए पम्पकिन हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें चने डाल रही हूँ। सब तो हमारा कुक्ड ही है, तो अभी ज़्यादा टाइम हमको कुक करना नहीं है। आपको आलू पसंद नहीं है तो स्किप कर सकती हैं। मैं सोया चंक्स डाल रही हूँ। अब मैं ये ब्लैक टारो का स्टैम्प और पत्ते डाल रही हूँ।
इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी मैं इसको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में। 10 मिनट हो चुका है तो चलिए सब्जी चेक कर लेते हैं कितना बढ़िया बना है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही हेल्दी सब्जी है। ये एक ऐसा सब्जी है जिसके पत्ते, स्टेम, रूट सभी खाया जाता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ दोस्तों। सब्जी को मैंने सर्व कर लिया है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ही बढ़िया है। और आपको अगर चेरी टोमेटोज मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ब्लैक टारो, ये टारो का रेसिपी में चेरी टोमेटोज डालेंगी आप तो थोड़ा वो खट्टा होगा, वो बहुत अच्छा होता है बनाने के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।